गुरुग्राम में बैंक प्रशासन की लापरवाही के चलते बदमाशों ने एटीएम से कैश किया चोरी और मौके से फरार हो गए। साइबर सिटी गुरुग्राम में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके का है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने आंध्रा बैंक के एटीएम को तोड़कर उसमें रखे लाखों के कैश पर हाथ साफ किया और मौके से फरार हो गए। दरअसल एटीएम के बाहर न तो कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद था, न ही कोई सीसीटीवी लगा था, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बैंक के सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एटीएम में करीबन 6.5 लाख कैश था। एटीएम को कटर से काटा गया है और काटने के बाद में इसमें से जो पैसे रखे थे उन पैसों को उन्होंने बर्गली के थ्रू ले। इस पूरी वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूत तलाशने में जुट गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। गुरुग्राम क्राइम एसीपी प्रीत पाल सिंह का कहना है मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। ये आंध्रा बैंक का एक एटीएम था बादशाहपुर में और उसपे बैंक के साथ ही था, कोई गार्ड था नहीं उसपे, तो वो रात को उसको ग्राइंडर के माध्यम से काट के और वो लेके गए हैं और उसपे हमने केस रजिस्टर कर लिया और कार्रवाई की जा रही है। एटीएम के बाहर ना तो कोई सुरक्षा कर्मी था और ना ही एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी काम कर रहे थे, जिसी के चलते बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।